गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं कमाल अत्तारी और आप देख रहे हैं लॉकडाउन गार्डन। तो फ्रेंड्स देखें, ये मॉर्निंग टाइम है, सुबह का बहुत ही खूबसूरत टाइम है और ये एक सीनरी आप देख रहे हैं, वेरी ब्यूटीफुल नेचर। आई मीन्स इट इज़ अ वेरी गुड नेचर के बस माउंटेन है, ग्रीन ट्रीज़ हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आपको ये एक खूबसूरत और प्रकृति का एक नज़ारा दिखा दिया जाए मॉर्निंग टाइम का, जिससे कि हमारा मन बड़ा खुश हो जाता है। अगर आप भी गार्डनिंग नहीं करते हैं या करते हैं तो आप छत पे आएं सुबह मॉर्निंग टाइम पे, बस तरोताज़ा हो जाएं, है ना, बड़ा मन खुश हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा बात को आगे ना बढ़ाते हुए, आज का विषय है टमाटर, टोमेटो। टोमेटो हमें कब उगाना है, कब नहीं उगाना है, और हर एक जो भी गार्डनर होता है वो हर एक चाहता, हर एक ख्वाहिश रखता है कि मेरे गार्डन में हमेशा 12 महीने जो है टोमेटो मुझे खाने को मिलते रहें, क्योंकि ये रसोई की मतलब एक कॉमन चीज़ है और हर एक सब्ज़ी में इसकी हमें ज़रूरत और इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों, हम छोटी बड़ी हर एक चीज़ में आपको लॉकडाउन गार्डन में शेयर करता हूँ, जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई आपकी मेहनत वेस्ट ना जाए और आपको बेवजह आप परेशान ना हो और अपनी मेहनत को बर्बाद ना करें, है ना। और कब हमें आगे से प्रिपरेशन करना भी है, तो लॉकडाउन गार्डन में आप सबसे ज़्यादा सीखते हैं फ्री में, कम खर्चे में, जुगाड़ू तरीके से, आसान तरीके से छत पर सब्जियां उगाना। तो फ्रेंड्स, हमें कब आगे की तैयारी करना है, क्या हमें अप्रैल में टमाटर की प्लांटिंग या इसकी जर्मिनेशन या इसकी बुवाई कर देना चाहिए, जिससे कि हमें बारिश के मौसम यानी रेनी सीजन में, यानी जुलाई में हमें अपनी छत से टमाटर मिलने लगें, और क्या हमें अप्रैल में टमाटर नहीं उगाना चाहिए, क्या है इसके बारे में, क्या टिप्स है, हम कैसे इसकी केयर करें। और बस आज का यही टॉपिक है कि हमें अप्रैल के महीने में टमाटर उगाना है या नहीं, जिससे कि हमें बारिश के महीने में, मौसम में, जुलाई में टमाटर मिलने लगें। तो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे टोमेटो प्लांट हैं और ये मेरे 3 टोमेटो प्लांट हैं, 1, 2, 3। और ये एक लेडी फिंगर भिंडी का प्लांट है। तो बात करने वाले हैं इन प्लांटों पे और टोमेटो की आगे की प्रिपरेशन, कि हमें जुलाई में हमें अपनी छत से टमाटर मिलने लगे, और अप्रैल में अभी तक जितने भी गार्डनर हैं, यूट्यूबर हैं और यूट्यूब चैनल हैं, गार्डनिंग करते हैं छत पर, उनको अभी भी छत पे जो है अप्रैल तक जो है उनकी छत से जो आगे की प्रिपरेशन करके चलते हैं, आगे की तैयारी करके चलते हैं कि हमें कब जर्मिनेट कर लेना है, जिससे कि हमें अप्रैल में टमाटर मिलते रहें। तो उनकी जो बुवाई कर देते हैं, जर्मिनेट करते हैं, प्लांट करते हैं अपने टोमेटो का, वो करते हैं लास्ट फरवरी या फरवरी में, जिससे कि उन्हें वो आज भी अप्रैल में अपनी छत से टमाटर की हार्वेस्टिंग या टमाटर मिलना दिखाते रहते हैं। तो वो उनकी फरवरी में लगाए हुए पौधे होते हैं। और अगर अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम अप्रैल में टमाटर के पौधे या हम बीज अभी लगा दें, जिससे कि हमें जुलाई में पौधे या टमाटर हमें मिलने लगे अपनी छत से। तो फ्रेंड्स, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अप्रैल में, मार्च में, मई में और ये इन 3 महीने में कभी भी आप अपने छत पर ये टमाटर की प्लांट, इसकी जर्मिनेट या इसके बीज ना डालें, क्योंकि ये सारी मेहनत आपकी वेस्ट और बर्बाद होने वाली है। तो फ्रेंड्स, बस ये कुदरत का और एक नेचर का एक अपना एक रूल और सिद्धांत होता है कि हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। हम अपनी बेवजह और ज़ोर ज़बरदस्ती करके हम उसको छत पर जो कि एकदम डायरेक्ट तपतपाती हुई धूप और वहाँ बहुत ज़्यादा स्कॉर्चिंग हीट छत पर होती है, यहाँ पे कोई
बगीचा वो नहीं है जो किसानों का जो बनाया हुआ होता है, तो इस तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं होता है छत पर। डायरेक्ट और बहुत ज़्यादा 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, जो जिससे कि पौधे झुलस जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पौधे हैं, ये मैंने जानबूझ के आपको दिखाने के लिए ये जर्मिनेट हो गए थे मार्च में, ये अपने आप यहाँ से मेरे इस गमले से निकल आए थे, तो मैंने इनको तोड़ के नहीं फेंका था। और मैंने कहा क्यों ना आपके साथ ये एक शेयर किया जाए, जिससे कि आपको सीखने को टेरेस गार्डन से मिले। लॉकडाउन गार्डन आपको सिखा रहा है कि आप इस तरह की गलती ना करें। तो ये झुलस गए हैं ये पौधे, किसी भी तरह से कुछ इनका होने वाला नहीं है, तो मैं इनको आज उखाड़ के फेंकने वाला हूँ। बस आपके साथ ये मुझे शेयर करना था कि इनको आप 3 महीने मार्च अप्रैल मई, इसमें कभी भी आप प्लांट ना लगाएं। देखो ये झुलस गए हैं पूरी तरह से, और ये कभी भी सक्सेस होने वाले सफल होने वालों में नहीं है। तो अब हमें बात कर लेते हैं कि हमें कब अपने टेरेस में लगानी है, यानी मार्च अप्रैल मई को छोड़कर हम अपने टमाटर की प्लांटिंग जो है अपने गमले में जून से ही कोशिश करना शुरू करते हैं, और इसकी शुरुआत जल्द से जल्द कर देते हैं 1 जून से ही, जिससे कि हमें जल्द से जल्द अगस्त में अपने छत से टमाटर मिलना शुरू हो जाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, टेक।